नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रीयता की चेतना ब्रिटिश शासन काल की देन है और इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय चेतना से अनभिज्ञ थे, ये कहा जाना सत्य नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजी शासन काल में राष्ट्रीयता की भावना तीव्र रूप से विकसित हुई। राष्ट्रीय भावनाएं या राष्ट्रीयता की भावनाएं का अंकुर हमें 17 सेंचुरी के में दिखाई देने लग जाता है और ये धीरे धीरे विकसित होता हुआ 19 सेंचुरी के मध्य के काल को राष्ट्रीय चेतना के युग के रूप में पुकारा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इन राष्ट्रीयवाद के राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारणों की। सबसे पहला कारण है सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। जैसा आप सभी जानते हैं 19वीं सदी के में भारत में धर्म सुधार समाज सुधार आंदोलन हुए। इन आंदोलन से समाज में उत्पन्न अंधविश्वास कुप्रथाएं और जटिलताओं का अंत हुआ। इन आंदोलन में ब्रह्म समाज के श्री राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के श्री दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी की श्रीमती एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में नई व्यवस्था स्थापित हुई। समाज में पूर्व स्थापित अंधविश्वास समाप्त हुए और उसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का अंकुर, राष्ट्रीयता का बीज विकसित होने लगा। दूसरा कारण था भारत की राजनीतिक एकता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय केंद्रीय स्तर की सत्ता कमजोर हो गई। धीरे धीरे भारत कई छोटे राज्यों में विखंडित हो गए। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में राष्ट्रीय स्तर पर पुनः एक सशक्त राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। राजनीतिक एकता स्थापित हुई। परिणाम स्वरूप लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावनाएं विकसित होने लगी। लोग एक सूत्र में बंधने लगे और इसी कारण से इसी घटनाओं के परिणाम स्वरूप लोग राष्ट्र या राष्ट्रीय चेतनाओं से ओतप्रोत होने लगे। अगला कारण है ऐतिहासिक अनुसंधान। भारों की गौरवपूर्ण परंपरा को हम भूल चुके थे। ब्रिटिश शासन काल की स्थापना के कुछ समय उपरांत भारतीय गौरवपूर्ण परंपरा भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों का ब्रिटिश विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया। सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, एबी कीथ जैसे प्रमुख विद्वानों ने भारतीय संस्कृत भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। हम हमारी गौरवपूर्ण प्राचीन सभ्यता संस्कृति से पुनः परिचित हुए। समाज में पूर्व स्थापित गौरवपूर्ण परंपराओं से जब हमारा परिचय हुआ तो हमारे में आत्मविश्वास का संचार हुआ और इस आत्मविश्वास ने हमारे देश में हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का कारण या उत्पन्न करने की परिस्थितियां विकसित की। अगला कारण था पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में पश्चिमी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान या योगदान है। अंग्रेजों ने अपने शासन काल को विकसित करने के लिए मैकाले शिक्षा पद्धति को स्थापित किया, अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य केवल मात्र ऐसे व्यक्ति तैयार करना था जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो लेकिन बौद्धिक रूप से अंग्रेज हो। इस घटना का परिणाम यह हुआ लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने या अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के कारण विदेश गए।
लोगों ने वहाँ की संस्कृति, समाज, सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। परिणामस्वरूप लोगों में स्वतंत्रता की चेतना उत्पन्न होने लगी और इन्हीं शिक्षित व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र बनर्जी जैसे कई महान विभूतियां थीं जिन्होंने समाज में नव चेतना, नव जागरण का कार्य किया। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रसार ने भारत में राष्ट्रीयता को विकसित करने में योगदान दिया। अगला जो कारण था वो था भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। भारतीय समाचार पत्र के रूप में अगर हम बात करें तो इस समय महत्वपूर्ण रूप से संवाद कोदमी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, हिंदू, कॉम्रेड जैसे कई समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। इन समाचार पत्रों के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी कई समाचार पत्र प्रकाशित होते जो अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीतियों से या उसकी आलोचना करें लोगों में जन चेतना उत्पन्न का कार्य करते, लोगों के अधिकार, लोगों की मांग को अपने समाचार पत्रों में स्थान देते। इन दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप लोगों में जन जागृति उत्पन्न होने लगी और इस जन जागृति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीय भावना विकसित होने लगी। अगला कारण था भारत का आर्थिक शोषण। जैसा आप सभी जानते हैं, यूरोपीय कंपनियां भारत में एक ही उद्देश्य लेकर आई थी और वो उद्देश्य था भारत से अधिक धन संपदा प्राप्त करना। राज्यसत्ता स्थापना के बाद उसका ये कार्य या उस उन्होंने इस कार्य को और कठोरता से करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप हमारे कुटीर उद्योग धंधे उनकी नीतियों की भेंट चढ़ने लगे, कृषि व्यवस्था पे दबाव बढ़ने लगा। लेकिन उच्च लगान व्यवस्था ने भारतीय कृषि व्यवस्था की भी स्थिति खराब कर दी। भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी फैलने लगी और अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश सरकार की ये नीतियां लोगों में असंतोष, आक्रोश उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार रही और इन्हीं घटनाओं के कारण लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। अगला कारण था राजनीतिक विभेद की नीति। जैसा आप सभी जानते हैं, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति की दिशा में कठोरता से कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीयों को वो किसी भी तरह के ब्रिटिश साम्राज्य के समान अधिकार देना नहीं चाहते थे। भारतीयों को वे निम्न या तुच्छ समझते थे और यही कारण था कि होटल के बाहर लिखा होता था, कुत्ते और भारतीय का प्रवेश निषेध है। अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के साथ सामाजिक स्तर पर किए जा रहे इस भेदभाव ने अंग्रेजी राज्य के प्रति लोगों में असंतोष, आक्रोश उत्पन्न किया और इसी असंतोष, आक्रोश ने धीरे धीरे राष्ट्रीयता के रूप में विकसित होकर आगे ब्रिटिश सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अगला कारण था सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपात। वैसे तो कहने के लिए 1833 और 1858 के चार्टर में महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की थी कि भारतीयों या सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाए, लेकिन धरातल पर यह घोषणा कारगर सिद्ध नहीं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, आईसीएस परीक्षा जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारतीयों के लिए होती थी, उसका आयोजन भारतीय उसमें सफल ना हो सके इसलिए उसका आयोजन लंदन में किया जाता, वो अंग्रेजी माध्यम से आयोजित की जाती जिससे कम भारतीय उसमें सफल हो पाए। यदि कोई सफल हो जाता तो अनेकों कारणों से उसे दूर करने या उसे वंचित करने का प्रयास किया जाता। ऐसा ही कार्य अरविंद घोष के साथ संपादित किया गया। उन्हें केवल मात्र इसलिए 1871 में इस
पद से हटा दिया गया कि उन्हें ठीक प्रकार से घुड़सवारी नहीं आती। तो सरकारी नौकरियों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जा रहे भेदभाव ने भी लोगों में असंतोष उत्पन्न किया। अगला कारण था यातायात और संचार के साधनों का विकास। राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंग्रेजों ने रेल और सड़क मार्ग का जाल बिछा दिया, डाक डाक टेलीफोन व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया, लेकिन ये उद्देश्य केवल कठोर नियंत्रण स्थापित करना था। लेकिन इन कार्यों से भारतीयों के मध्य की दूरी कम हुई, लोगों का दृष्टिकोण व्यापक हुआ, लोग एक दूसरे से अधिक नजदीक आए, परिणाम स्वरूप भारतीयों में एकता और संगठन की भावना विकसित हुई और इस संगठन और एकता की भावना ने लोगों में राष्ट्रीयता का बीज बो दिया। फिर था अगला कारण विदेशी आंदोलन। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं संपादित हुई जिन्होंने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता या राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने का कार्य किया। उसमें से प्रमुख है फ्रांस की क्रांति, इटली यूनान की स्वाधीनता आंदोलन, आयरलैंड की स्वतंत्रता, अमरीकी स्वाधीनता आंदोलन। इन सभी घटनाओं ने भारतीयों को उत्साहित किया। भारतीयों में इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का बीज विकसित होने लगा। अगले कारण के रूप में हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन की नीति। लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और उसके किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष स्थापित हुआ या उत्पन्न हुआ। 1876 में उसने ICS की परीक्षा की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी ताकि भारतीय उसमें सफल ना हो सके। 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया जबकि भारत में विशाल अकाल फैला हुआ। लोग भुखमरी से मर रहे थे और वहां दूसरी तरफ सरकारी व्यय एक भव्य आयोजन पर किया जा रहा था। अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए उसने आंग्ल अफगान युद्ध संपादित किया जिसमें बहुतायत संख्या में भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1878 में उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, लेकिन इस नियंत्रण में अंग्रेजी समाचार पत्रों को मुक्त रखा गया, केवल मात्र ये भारतीय समाचार पत्रों पर लागू हुआ। इसी तरह का कार्य उसने 1878 में शस्त्र अधिनियम, हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रणाली प्रारंभ की, भारतीयों को इससे नियंत्रित किया गया और इसमें भी अंग्रेजों को मुक्त रखा गया। इसी तरह से उसके शासन काल में आर्थिक नीतियों पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए सूती वस्त्र पर से आयात कर हटा दिया गया। इन सभी गतिविधियों ने लोगों के मन में जन आक्रोश उत्पन्न कर दिया। तो लिटन की ये सभी प्रतिक्रियावादी नीतियां भारतीयों में असंतोष आक्रोश उत्पन्न करने का कार्य कर रही हैं और इन्हीं आक्रोश के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का बीज, राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो रही। अगला कारण था एल्बर्ट विल विवाद। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी के बाद जब रिपन भारत आया तो उसने असंतोष आक्रोश को कम करने का प्रयास किया। बंगाल प्रेसिडेंसी में उसने भारतीय और अंग्रेज जजों को एक समान अधिकार दे दिया, लेकिन ब्रिटिश राज्य के द्वारा, ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप समान अधिकार पर नियंत्रण स्थापित किया गया और उस नियंत्रण स्थापना के परिणाम स्वरूप जो पूर्व में किया गया कार्य था उसकी स्थिति अस्पष्ट हो गई, या यूं कह दें भारतीयों को दिए गए अधिकारों से भारतीयों को वंचित कर दिया गया। इस तरह इस एल्बर्ट विल विवाद ने भी भारतीयों में असंतोष विकसित करने का
कार्य संपादित किए। इन सभी कारणों का अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल मात्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों का परिणाम था। धन्यवाद।